देखिए अभिलाषा जी, विगत कुछ वर्षों से और खास करके मैं इसका जिम्मेदार मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जी, जिसने एक राजनीतिक गिरावट की और एक डंपिंग ग्राउंड बना करके उसने पॉलिटिक्स को शुरू किया है। लेकिन आपको याद होगा कि हमें लगता है चाहे वो प्रदीप चौधरी जी हों या अन्य कोई विधायक हों, उनको भूत की अनुभूति नहीं हो रही है। अभी बिहार के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक भानमती का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानमती का कुनबा जोड़ा था, आप देखिए चाहे वो रामविलास जी की पार्टी रही हो, चाहे रालोसपा रही हो, चाहे स्वयं माझी जी ड्यूरिंग चुनाव जिस तरीके से बार्गेनिंग किया माझी जी ने, जी जी, आप सोचिए सारे के सारे लोग माझी जी के मंत्री हार गए, स्वयं माझी जी की अपनी एक सीट बड़े मुश्किल से बची, बहुत कम मार्जिन से वो जीते। तो चाहे ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, प्रदीप चौधरी जी हों, देखिये इनको चाहे प्रदीप चौधरी जी हों या ब्रजेश पाठक जी हों, को जनता एकदम पहचान चुकी है और एक सहारे, डूबते को तिनके के सहारे के समान ये भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश किया है इन लोगों ने और सोच रहे हैं कि हमारी नाव कहीं किनारे लगेगी। लेकिन मैं जैसे उत्तर प्रदेश का हालात है, उत्तर प्रदेश के जनमानस ने ये तय कर लिया है कि इस बार दल बदलुओं को हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कतई नहीं भेजेंगे, तो हम आपसे वादे के साथ कह सकते हैं कि इनके जो भविष्य का सपना है वो चकनाचूर होगा और ये इसी के